प्रशासन कितने ही दावे कर ले, लेकिन आज भी गांव में छुआछूत मानी जाती है, जिससे शिक्षा का पवित्र मंदिर भी नहीं बचा है। ऐसा ही ताज़ा मामला है पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मस्तपुर का, जहां की माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला में शिक्षकों के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को मिड डे मील का भोजन हाथों में दिया जाता है। जब बच्चों के अभिभावकों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के शिक्षक हमारे बच्चों के साथ छुआछूत मानते हैं, जिस कारण हमारे बच्चों को हाथों में खाना दिया जाता है। यह लगातार 6 से 7 वर्ष से चल रहा है, जब विद्यालय में अध्ययन कर रहे बच्चों सुरेंद्र कुमार कुम्हार और निशा राय ने पिता राकेश राय से बताया कि हमको प्रतिदिन हाथों में माध्यान्ह भोजन दिया जाता है। ये बताओ, जो आप खाना हाथ में क्यों लेते हैं, थाली क्यों नहीं दी जाती है बेटा? हाथों में कभी नहीं, हाथों में दिया जाता है आप लोगों को खाना, क्यों दिया जाता है? थाली धोने को पानी नहीं मिलता यार। बताओ कुछ। पानी मिलता बेटा तुम लोगों को? नहीं मिला, इसीलिए थाली नहीं मिल पाती है, कि थाली है ही नहीं यहाँ पर। थाली नहीं, थाली है, थाली है, गिलास है, सब है, लेकिन पानी नहीं मिलता तुम्हें। अभी वापस बेटा। अम्मा आपका नाम? नाम क्या है आपका? हाँ, अमिया। कौन से समूह से खाना बना रहे हैं? अच्छा, छिद्दू। अच्छा, और आपको अभी तक गैस उपलब्ध नहीं किया? हमेशा से खाना चूल्हे पे बना रहे हैं। कभी गैस नहीं दिया गया अभी तक? जैसे हम लोग किधर आएंगे, देख लो आप फोटो का चूल्हे है के आपके यहाँ पानी भरने में भी हरिजनों को पानी नहीं भरा दिया जाता है, उनके बर्तन फेंक दिए जाते हैं, उनसे छुआछूत मानी जाती है, इसमें कितनी सत्यता थी? यहाँ पे काफू तो ये सभी और पानी नहीं दे रही, वहाँ कहीं भी पानी ना कुगान पे पानी भर लन देते हैं और ना हेडपम्प पे छुआछूत मानते हैं। हम लोगो के बर्तन भी फेंक देते हैं सारे के सारे, और ये बोर लगा है वो बोर चलाते हैं, सो वो भी नहीं भरन देते हम लोगों। फिर आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग कहीं हेडपम्प से लड़ लड़ के मार खा रहे, वो मार रहे, पीट रहे, फिर भी हम लोग जबरदस्ती से 10 घंटा खिलाने बैठा दूं। और अन्य जो सेवन समाज के लोग हैं, वो चुवाण के, उनको पानी पहले उपलब्ध हो जाता है क्या? हाँ, उन्हें उपलब्ध हो जाता है। हम लोग चलाओ दे, अपने काजी चाबी ले जा, अपने भाई क्यों बंद कर रहे हो? कौन सा वो शासकीय वो जो अभी हुआ था? सरकारी। अभी विद्यालय में गए आपके, जहाँ आपका समूह संचालित है, तो वहाँ पर जो बच्चे थे उनको हाथों में खाना दिया जा रहा है, ऐसा आपके समूह के द्वारा क्यों किया जा रहा है? जो श्रीमान समूह की बात नहीं, जिस शिक्षा को स्कूल की बात है। हम लोग तो खाना बांटते हैं जी, समूह वाले जी, भोजन बनवाते हैं प्रतिदिन जी, मेनू के अनुसार बनवा रहे हैं। अब थाली उपलब्ध करने की शासन की सुविधा स्कूल की तरफ से होती है जी, है कि नहीं? उनके धोने की सुविधा स्कूल की तरफ से होती है, आप बताओ आप, है कि नहीं? यहाँ पर लेकिन और कुछ मामला सामने आ रहा है, छुआछूत की बात हो रही है। यह यहाँ पर शिक्षक भी छुआछूत मानते हैं अर्जन के नाते। अच्छा। आपको बताएं, कुछ बच्चे भी मतलब रोजी समाज बनाओ, बच्चे भी मानते हैं लेकर के बांटते, मतलब बैठते नहीं सर। ऐसा क्यों है? जैसे समूह आपकी समाज में है, आप बंसकार समाज से है शायद, और राजपूत समाज से ही खाना क्यों बनवाया जा रहा है? क्या आपके विद्यालय में छुआछूत मानी जाती है? विद्यालय के अनुसार छुआछूत मानी जाती है, है कि नहीं? जो मतलब बंसकार जाति को समझ नहीं करते, हाथ को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, राजपूत समाज से बनवाते हैं, छुआछूत माने जा रहे हैं। आपको मजबूरी में बनवाना पड़ता है? मजबूरी बस। आपके घर में सदस्य हैं क्या बनाने लायक? हाँ, सदस्य हमारी समाज वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो आप अपनी समाज से क्यों नहीं बनवा रहे? केवल मजबूरी, छुआछूत के कारण। कौन डालता है दबाव? हम खाना मिटवा देंगे। ग्रामवासी, ग्रामवासी। और प्राथमिक पाठशाला। आप कौन सी बच्चे यहाँ पर हैं? सहायक शिक्षक। क्या नाम है आपका? हरिया। तो विधवा जी, ये बताएं, यहाँ पर जो बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है, हाथों में क्यों थमाया जाता है? हाथों में वो यहाँ पानी की व्यवस्था न समझने वाली व्यवस्था कर दी। क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे पास में नहीं, जैसे कि बच्चे आज, या फिर कोई और सिस्टम है, छुआछूत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, नहीं। फिर बच्चों को अभी तक कितना मत थी सरकार, भले ही कितने वादे कर रही है कि सुधार हो, लेकिन यहाँ पर एक ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, यहाँ पर कुछ इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। पानी की समस्या है, पानी की समस्या के कारण थालियों में नहीं दिया जाता। अभी थाली कौन सा करेगा?
यहाँ पर पानी नहीं है, खाली साफ करने के लिए यहाँ पर पानी नहीं, वो तो होना चाहिए ना उसमें समूह से। नहीं समूह से हम बोलते हैं मेला नहीं भी जगह बनी है समूह से समूह जो है पूरी संस्था नहीं है और जो है नेतागिरी वाली बात कहते हैं, नेतागिरी के दबाव के कारण आप लोग कुछ कह नहीं पाते, इसलिए दबाव बताते हैं। कितने में पढ़ती हो? आपको खाना कहाँ मिलता है? यहीं पर। अभी कितने देर पहले मिला? 10 मिनट पहले। अच्छा तो आप लोग अभी जो दिख रही बिल्लियाँ वगैरह जी कहाँ से, घर से लाएंगे? यहाँ बैतनों में नहीं दिया जाता नहीं। कभी नहीं? नहीं। क्यों नहीं दिया जाता? पानी की बात मालूम नहीं? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी कहाँ से लाते हैं? घर से। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर विद्यालय में? और जो यहाँ के रसोईया वगैरह है यहाँ पर खाना बनता है कि घर से बना के? घर से। यहाँ नहीं। मस्तापुर का हाई सेकेंडरी हाई स्कूल एवं प्राथमिक शाला आती है और वहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षकों के द्वारा छुआछूत मानी जाती है, इस कारण वहाँ बच्चों को हाथों में खाना दिया जाता है। ऐसा क्यों है? गाँव के लोगों ने लगा मस्तापुर तो हाई स्कूल में जाके पूछा? जी बिल्कुल, स्कूल में हमारे पास प्रूफ हैं, वीडियो हैं, बच्चे हाथ में खाना खा रहे हैं, उनके अभिभावकों ने भी दिया। तो ऐसा टीचर लोग तो हम लोग को नहीं, हम लोगों के अंदर कोई विचार ऐसे नहीं रहते हैं ना, यहाँ किसी के पास ये विचार रहते हैं नहीं। फिर हाँ क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं, अगर ऐसे छुआछूत वाली मामला हम लोग रखेंगे तो थोड़ा हम लोगों को नहीं। तो फिर बच्चों को हाथों में खाना क्यों दिया जा रहा है? हो सकता है उनकी थाली ना हो, कुछ वजह हो नहीं। जो वहाँ जो वहाँ समूह संचालक हैं, समूह के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन्होंने बताया कि थाली पर्याप्त हैं, लेकिन जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनके द्वारा खाना हमसे भी नहीं बनवाया जाता है, जबकि वो बंसकार समाज के इस कारण और अन्य समाज जो लोधी समाज है समूह जो संचालित कर रहा हो इनका समूह को दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि हम लोगों को मना किया जाता है कि आप अन्य समाज से बनवाइए और आपके हाथों का बच्चों को खाना नहीं दिया जाएगा। अब वो दिखवाना पड़ेगा, जाँच करवाएंगे, देखेंगे। यहाँ पर बच्चों के अभिभावकों ने भी आरोप लगाया है। यहाँ पर वहाँ पर मस्तापुर जाँच करवाएंगे। आपके विद्यालय की भी कई ग्रामीणों ने शिकायत की है कि यहाँ पर शिक्षक समय से नहीं आते हैं, कभी क्लासें नहीं लगती हैं, इस कारण आपका इस वर्ष का जो सत्र में जो परीक्षा हुई है हाई स्कूल हाई सेकेंडरी उसमें रिजल्ट काफ़ी कम आया है, ऐसा क्यों? यहाँ शिक्षक ही नहीं है, बहुत कम है नॉर्मल। तो आपके 27 का स्टाफ यहाँ चाहिए था जिसमें हम लोग 6 लोग जमा नहीं, कुछ लोगों को यहाँ बढ़ा ही काम नहीं, नोटिस भी मिली है रिजल्ट कम आने से। हाँ उसका जवाब, तो आपका रिजल्ट इस साल कितने परसेंट आया? हमारा 10वीं का रहा 22%, 12वीं का 20%। इतना कम क्यों? वो उसके बजाय मतलब दे दिया ना, उसका दे दिया। ऐसा होगा तो बच्चों का भविष्य पूरे जिले का है वो तो। और एक तो सबसे बड़ी समस्या है बच्चे नहीं आते हैं, गाँव के लोग घंटे से बच्चे तो आप काहे बुलाने चाहिए, बच्चों के नाम करने चाहिए, वो जिम्मेवारी प्रिंसिपल बताएंगे। हम लोग तो यहाँ टीचर हैं, हम लोग अपने आके काम करते हैं, जो हमारे साथ प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल भी कोई है ही नहीं, बिना प्रिंसिपल का? हाँ बिना प्रिंसिपल का कोई है नहीं, आदेश हो रहा है 1-2 दिन में जिसका भी हो जाए प्रिंसिपल आने वाले, इसका भी आदेश हो जाए। हो सकता है यहाँ से स्टाफ में किसी का आदेश हो जाए या कोई नया आ जाए, अभी कोई क्लियर नहीं।